दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो यार, कहने का मतलब मेरा पहला ये है कि आजकल की लौंडियों का टेस्ट इतना खराब क्यों हो गया यार। मतलब जब भी देखो, जैसे ही पता चलता है कि भाई ये शादी हुई, और जब एज का मालूम पड़ता है कि लड़की है 20 साल की और लौंडा है 50 साल का, मतलब ये तो हद हो गई ना यार। मतलब कोई ऐसा चिकना बंदा हो और उसे लड़की मिल जाए 50 साल की तो क्या बनेगा। तो आजकल का सीन ये चल रहा है कि जब भी देखो शादी हुई है, उम्र मालूम करो 20 साल की लड़की 50 साल का बूढ़ा। तो मतलब यार क्या हो क्या गया यार साथ? यार तुम लड़कियों को हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम लड़कियों को यार हुआ क्या है तो प्लीज यार अपने आप को थोड़ा चेंज कर। हम जैसे लौंडों को भी देखो यार, मतलब मानते हैं हमारी कोई शक्ल नहीं है देखने जैसी, और मतलब चलने वाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो ख्याल करो यार। लौंडे मर रहे हैं यार, मतलब खुद को मारने भी, मतलब सुसाइड कर रहे हैं बार बार। देखो जब देखो लौंडे सुसाइड कर रहे हैं, 25 साल का लौंडे, 30 साल के लौंडे भाई लड़की के चक्कर में गया तेल लेने। तो ये ऐसे तेल लेने वालों बच्चों को बचाइए, और वो तेल अपने सर पे यूज़ करें और कहीं और पे यूज़ करें, लेकिन ऐसे ना जाए कोई तेल लेने, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, टाइम हो गया बाहर का, थोड़ा बैंक चेक में कम है, और फिर देखते हैं क्या होता है। और आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर दबा के, आपकी हेल्प चाहिए यार, थोड़ा तो बनता है ना। बैंक पे लिखा हुआ था कि जस्ट ट्रस्ट अस, मतलब मुझे बात समझ में नहीं आ रहा कि आजकल की लौंडियां हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही तो हम बैंक पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। नहीं बेशक, मतलब ट्रस्ट नाम की चीज़ तो रही नहीं ना बेंचों। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, अमजद बोल रहा है कि भाई मुझे माल्टे का जूस जो है वो पिलाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें आज माल्टे का जूस पिलाता हूँ, लेकिन ऐसा पिलाऊँगा तो पी पी के होकर में हो जाएगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। छुट्टियों का टाइम है तो इस वक्त यहाँ विशेष कॉलेज है, तो और कॉलेज में यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है। ड्राइविंग करें वरना तो फट जाएगी हमारी। कल कैसे हैं आप? ठीक ठाक मज़े में माशाल्लाह। कैसे बना रहे एक गिलास? क्या एक बना के दो, ऐसा दो बना के दो, ये भी पिएगा ना भोसड़ी का? तो मतलब ऐसे ही पिलाओ, ऐसे बने मज़े वाला हो जो पीने के मतलब बाद में नशा चढ़ जाए, ठीक है ना? क्या बात है। ओ बताओ अमजद भाई, तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हो आजकल? हाँ हाँ, भाई इसे बोलते हैं देसी माल्ट इस्तेमाल करने का बहुत ही बढ़िया तरीका। पियो, जाम करो और अयाशी करो अपने साथ, लौंडियों के साथ नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मेरा माल्टे का जूस है इस वक्त रेडी हो गया है, तो इससे मैं पीने की कोशिश में यही रहूँगा कि पी कर मज़े करूँ, और मैं आपको बताऊँ कि किस किस्म का बना हुआ है। वाह मज़ेदार, क्या बात है। समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाहता हूँ? नशा है प्यार का नशा है, माल्टा पियो और जियो अपनी जवानी। हम जा रहे हैं घर, लेकिन भाई सीरियसली यहाँ का जूस पी के हमें जो मज़ा आया ना, अभी ये एड्रेस है गंबड़ बाईपास की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बाइक की ढाबा है, लेकिन प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कल ही
इस वीडियो को देखकर यहाँ पे आ जाइए और यहाँ का एंटायर इवनिंग माहौल को एंजॉय करें। और सीरियसली बात ये है कि मज़े वाली चीज़ें बिल्कुल 100 में एक अच्छा सा खूबसूरत गिलास मिल जाता है और आपकी बहुत सारी प्रोटीन्स जो है बढ़ जाती हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अपने घर पे। फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लव यू आप। अभी हम घर पहुंच गए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज़ 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 अभी जिससे मैंने जूस लिया, साइड में दो और भी थे लेकिन मैंने उससे इसीलिए लिया कि मुझे मतलब पहले से पहचान वाला था। तो मुझे पता चला कि भाई ने बोला कि भाई अभी जो सैलाब आया था हमारे यहाँ, उसका शिकार मैं भी बन चुका हूँ। मेरे घर वाले सारे के सारे रोड पर बैठे हुए हैं इकट्ठा कर, दो जो क्या बोलते हैं ऊपर से नहीं जाते छतरी वगैरह डालते हैं वो डाल के बैठे हुए हैं। तो फिलहाल मैं रोज़ी वगैरह कर रहा हूँ ताकि अल्लाह राज़ी हो और घर का जो काम था वो पहले से चल जाए। लेकिन मुझसे जो हुआ मैंने किया, लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि यार प्लीज़ कल जाएं उसके पास और आप मदद ना करें तो कम से कम एक गिलास जूस ले सकते हैं ताकि उसकी हेल्प हो जाए। और मेरी आशा से यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप उसके पास जाएं और एक गिलास जूस पिए और साथ में घर के लिए भी लेके जाएं ताकि आपके जूस पीने से और उससे जूस लेने से उसका फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा ज़रूर जाहिर सी बात होगा। और लेकिन बात यह है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उसकी एक अच्छे तरीके से हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ जाएं कल और अपना फ़र्ज अदा करें, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो करें यार, उठें। मतलब खाली फेसबुक पे स्टेटस लगा कर, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा कर अपने आप को शो ना कराओ कि हमें जो गरीबों का बहुत दुख है और हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो इससे नहीं कुछ होगा। तो प्लीज़ जाएं और अपना फ़र्ज यहाँ पर अदा कर लें तो बेहतर ही रहेगा। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर दबा देना। लव यू ऑल।